ध्वजा लगाई हुई है भगवा कलर की। यहाँ पे लहरा रही है, आप देखें हम आए अभी वहाँ से। और इस साइड पे है भगवान शिवलिंग है। और आगे चलेंगे, जानेंगे यहाँ से, और जो माता शबरी का मंदिर है वो भी हिस्ट्री वगैरह पता करेंगे। और जो यहाँ से जड़ी बूटियाँ भी है काफ़ी, जो कहते हैं कि पहाड़ों में उगती हैं ना, जो बीमारी के लिए काम आती है, तो वो भी लोग यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं। और यहाँ से आगे पता भी करेंगे, देखेंगे। तो रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है, और माता रानी की कृपा है कि आज धूप भी नहीं निकली, तो अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तो इस वजह से हमारा सफ़र और भी आसान हो गया। ये बंदा जो ऊपर से एक लाठी से जो उसके पत्ते जो गिरा रहा है, ये पत्ते वो हैं जो जिसको पथरी हो जिसको, या किसी को ये हो तो बोलते हैं काली साई। ये एक जड़ी बूटी है यहाँ पर गई, तो ये ना जिनको पथरी हो, और ये जो पथरी और जो हेपेटाइटिस सी होती है, हेपेटाइटिस सी हो, कोई भी इसका पानी है जो उसको इसका पानी घोट के वो पिलाए ना। एक बंदा देखो उसको निकाल, वो बंदा वो पत्ते भी निकाल रहा है। नीचे से लोग ना उठा भी रहे हैं, ऊपर से वो डंडी मार के तोड़ रहा है पत्ते। तो ये पहाड़ के बीचों बीच उगी हुई है एक यहाँ से पौधा, तो ये इस साइड चलेंगे। ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के नीचे बिल्कुल माता अंगराज का मंदिर है। और यहाँ पे आगे हम जाएंगे, ये देख रहे हैं सामने लोग नज़र आ रहे होंगे, ये पहाड़ में से जा रहे हैं बिल्कुल बराबर में से चढ़ के। नीचे नदी है, शायद का चेक करें ये रास्ता। और अभी हम चल रहे हैं आगे, जाना है एक दूसरा धाम है वहाँ पर। इस रास्ते पे चलना, जैसे कोई गिर गया तो कहीं बच ही नहीं पाएगा। और नीचे तक गहरा गड्ढा है अंदर, और ये बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे चलना पड़ता है हमें। पानी का ये सफ़र देखें, और हमें नीचे जाना है। ओ नीचे ये वो नीचे की तरफ, नीचे लोग नजर आ रहे होंगे, इस साइड इससे नीचे जाना है हमें। यहाँ पर एक धाम है, वहाँ पे यात्रा करनी है हमें। माता शबरी का मंदिर है, और इस साइड पे ये माता शबरी का मंदिर है। और यहाँ से अभी पत्थरों से वो रास्ता तो काफी अच्छा सही था, और यहाँ से तो पत्थरों से ही नीचे जाना पड़ता है। और देख ले जो शबरी माता ने श्री रामचंद्र जी को बेर खिलाया था, वो बेरनी है ये, समझिए। ये इस साइड पे पूरा बेरनियों का बाग है, यहाँ पे काफ़ी बेरनियाँ, लेकिन इस बेरनी को कहा जाता है कि ये इसमें है ना माता शबरी ने जो है श्री रामचंद्र जी को बेर खिलाए थे। तो ये बेरियों का बाग है पूरा, बेर लगे हुए सब जगह पर यहाँ पे। और सामने ही मंदिर है उस साइड पर माता शबरी का, वो भी दिखाते हैं। ये पूरा बेरों का बाग है, यहाँ पे बेर ही लगे हुए हैं सब जगह पे, लेकिन वो जो दिखाया था ना वो माता शबरी ने उसमें से तोड़ के खिलाए थे, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे मंदिर है माता शबरी का। नमस्ते भाई, जय जय माता दी, जय माता दी। ये सेवा में पानी चला रहे हैं, और फ्री में ही, और ये चाय चला रहे हैं सेवा में। तो ये भी जय माता दी। कुंडली रहा नाम डॉक्टर जैतून, ये भी सेवादारी है, ये भाई भी सेवादारी है, वो भी हमारे साथ है। ये तो गाइस यहाँ पे
ये सेवादारी है और चाय की सेवा करते हैं, मतलब चाय पिलाते हैं जो पहाड़ों में सफ़र करके वहाँ से यात्रा करके आते हैं ना, तो उनको तो हम भी अभी चाय पी रहे हैं तो वहाँ से हमें अभी हम आए हैं। सो ये है माता सबरी का मंदिर जो कि उर्दू में लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ये हनुमान जी की सिंदूर चढ़ाया हुआ है और रखा हुआ मूर्ति यहाँ पे कुछ, और भगत भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अंदर चलते हैं माता शबरी के मंदिर में। शबरी माता की और ये हवन हो रहा है, इस साइड पे हवन कुंड बना हुआ है माता सबरी के मंदिर में ही, बाहर की साइड पे हवन है और इस साइड पे लोग दर्शन यात्री आए हुए हैं रुके हुए हैं, और इस साइड पे ये बनाया हुआ है तो ध्वजा वगैरह कुछ लगाई हुई है को बनाए गए हैं, जो माता शबरी ने जो श्री रामचंद्र जी के बैर खिलाए थे वो तस्वीर चित्र भी यहाँ पे लगाया है इस साइड पे। ये मेले में ये जो बैर दे रही है सामने इस साइड पे, ये सेम चीज़ यहाँ पे लगाई गई है, और इधर खेलते हैं ये। सुबह 6 बजे के निकले हुए हमने और एक धाम वो भी यात्रा कर ली, वहाँ का व्लॉग बना लिया, तो अभी माता सबरी का मंदिर था वहाँ पे भी व्लॉग बना दिया, तो अभी जा रहे हैं आगे हम इस साइड पे। तो यहाँ पे ये रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता है, और पीछे से अभी हम आए, इधर मंदिर था यहाँ से होके आगे पहाड़ों में से, तो यहाँ